यू आर वॉचिंग पूंछ लाइव। आपको तो कम से कम उस गति का एहसास रखना चाहिए था जिस पे लोगों का अकीदा है। कितने अफसोस की बात है कि हम एक पूरी इलेक्शन के लिए अपनी एक पूरी कम्युनिटी को शराबी और बेईमान कहलवाते। ये बल्ला बहुत सारे काम आता है। क्या कुत्ते नजर आते हैं उनकी खैर खबर भी ले लेगा, और मेरी जो बहने हैं, जो बेटियां हैं, माँ हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी है। फिर ऐसे बुजुर्ग को घर में बिठाना, उनको बोलो खुदा खुदा करे, लोगों की पगड़ी ना उठा ले। तो उस वक्त क्यों नहीं इनको शर्म आई जब स्टेज पे उन्होंने बोला 500 रुपए में गुजर अपनी वोट को बेचता है, शराब की बोतल पे बेचता है। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं एक शरीफ आदमी को उन्होंने सामने करके ये बोल दिया कि पीर साहब आगे चलो। मेरे मोहतरम पीर साहब, आपकी अपनी एक पहचान है, क्यों ये खून से रंगे हुए हाथों के साथ खेल रहे हो? इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप तो एक मजहबी रहनुमा भी हो। जरा खबर था बुहारी साहब, जरा खबर था बुहारी साहब, मार की फैलानी है, मार की फैलानी है, मार की फैलानी है। जरा बुहारी साहब, जरा बुहारी साहब, बुहारी साहब। मेरे सरदार, बुजुर्ग, नौजवान, सोनकोट से जो लोग आए हैं, मंडी से आए हैं, लोरम से आए हैं, पूंछ से आए हैं, या पापा कौन से, सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जब जोरों पे जमींदारी का सीजन भी है, फसल कटाई का सीजन है आपका, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी बात सुनने के लिए आए, मैं बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का। इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट का एक तारीखी इलेक्शन है। यह हमारे मुल्क के लिए तारीखी इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर के लिए तो खुसूसन ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक तारीखी फैसले के बाद जो पहले इलेक्शन हुए जिसमें लोग अपनी डेमोक्रेटिक हक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पहला मौका अब मिला है। डिलिमिटेशन के बाद हमने देखा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दो हिस्सों में बढ़ गई। आप पहले जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा थे, आज आप अनंतनाग पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। मुझे मालूम है इसमें तकालीफ काफी है लोगों को, लेकिन एक चीज बताऊंगा, शायद ऊपर वाले ने यही करना था कि ये इतिहाद की जो कड़ी बनेगी, वो जो असल कड़ी इतिहाद की जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के दरमियान बनेगी, वो राजौरी और पुंछ के होते हुए अनंतनाग में पहुंचेगी। तो आप लोग एक तवारीख लिखने जा रहे हो, ये एक मामूली इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को उस नजर से देखिए, ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जिसमें वापस जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना भरोसा जमहूरियत पे दिखाया है। कल जो आपने बारामूला पार्लियामेंट्री सीट में 60% दिखाया, मुझे फखर है कि मैं नेशनल एवरेज के साथ जम्मू कश्मीर का वासी भी कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। आज कोई ये हमें गिला नहीं कर सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में यकीन नहीं रखते। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने आपको दिखाया हम जमहूरियत के आलम बरदार हैं, और अगर हम निकले हैं तो हम इसलिए निकले हैं कि इस जमहूरियत ने हमें जो ताकत दी है, हम उसे वो हासिल करना चाहते हैं। हम इसकी बदौलत अपने लोगों का वो इज्जत और वकार बहाल करना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं। आपको शायद 2 कदम ज्यादा आगे आना पड़ेगा, क्यों हम लोगों के 3 बजे जख्मी हो चुके हैं। हमें 72 साल में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कहीं का नहीं रखा।
उन्होंने ऐसी साजिशें की हमारी जिसके दो हिस्से किए। क्या ये सच नहीं है कि पुंछ के दो हिस्से अगर हुए एक बार एक आर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर किया, उड़ी के दो हिस्से किए, इसी तरह आप देखिए नौशहरा के दो हिस्से किए, हमारे करना पीटवाल के दो हिस्से किए, ये उस साजिश को बेनकाब करना है कि हम लोगों को क्यों बांटा गया, और साजिश को बेनकाब करने के लिए शायद ये वोट बहुत जरूरी है। बड़े सारे लोगों का कहना है कि साहब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर को एक स्ट्रांग वजीर अजम की जरूरत है, हमें शायद इस मुल्क में इतना स्ट्रांग वजीर अजम चाहिए जो हमारे 72 साल के गांव भर दे, हमारे गांव इतने कहे कि अगर हम रोने पे आए शायद रोते ही रहेंगे, आंसू से एक सैलाब भर पाएगा, लेकिन हमें यकीन है कि जो हमारे साथ 72 साल जातियां हुई हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह शायद उसका अजाला जरूर करेंगे। हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पकड़ पकड़ कम बंद हो जाएगी, हमारी बेटियां इंतजार कर रही हैं कि वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको हक वाले को हक कैसे मिलेगा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन नौकरियां यहां बिकेंगी नहीं, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमारी बेसिक जमहूरियत वापस हो, हम अपने लोगों को इलेक्ट करें और उनकी सरकार यहां बने ताकि वो लोगों की खिदमत करें। वजीर आजम साहब ब्यूरोक्रेट कितना ही अच्छा हो, ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट है और उसका नजरिया कानून के दायरे में उतना ही होता है जितना वो देता है, उसकी कुर्सी कब तक सेफ है ये आपको मालूम है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, लोगों के लिए काम इस दायरे से बाहर निकल के करना पड़ता है। अगर इस दायरे में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहे तो हम लोगों की क्या खिदमत कर सकते हैं। मुझे मालूम है आपके दिल धड़क रहे हैं हमारे लोगों के लिए, लेकिन मैं भी आपको बताऊं कि हम भी तैयार हैं। आपने देखा है 5 साल से अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन का रास्ता पकड़ा है, उन्हें ये मालूम है अमन से हमें फायदा है, शायद नई दिल्ली को फायदा नहीं है जितना फायदा जम्मू कश्मीर के वासी को है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को है, जम्मू कश्मीर की मैशत को है। जब मैं बात करता हूं हमारा हर एक प्रांत हर एक जगह इतनी खूबसूरत है, क्या वजह है इस खिते में टूरिज्म प्रमोट नहीं हुआ, इसका दोष मैं शायद उन्हीं सियासतदानों को देता हूं जिन सियासतदानों ने निगाह ही इतनी ही रखी कि उनके वर्कर तक ही सब मराहत मिले, इनके वर्करों के नजदीक ही सब काम हो, लोगों का कोई काम ना हो। मैं पुंछ और राजौरी खिते के लोगों से एक वादा करता हूं, अल्लाह करे कि यह आपका उम्मीदवार जफर इकबाल मनाज साहब पार्लियामेंट में पहुंचे और इंशाल्लाह जो आपको लगता है ये शाहराग जो आपकी बंद है जिसे कहते हैं मुगल टनल, जिसके आप दो जगह से चाहते हैं कि इसकी टनल बन जाए, इंशाल्लाह गडकरी साहब ने सर्वे ऐलान किए, जफर मनाज साहब का ये पहला कर्तव्य वहां जाके होगा कि इसकी सेंक्शन लाए ताकि हम लोग जो 12 महीने एक दूसरे से आप मिलते रहे। मुझे याद है मैं एक सरकार में वजीर था और इसी जगह पे मरहूम वजीर आला ने खड़ा होके बोला मैं कुछ वादा नहीं करूंगा, अल्ताफ बुखारी तुम वादा करो। तब मैं समझा नहीं, मैं वजीर था वो वजीर आला थे, मुझे पता नहीं थी वो उनकी आखिरी तकरीर पुंछ में होगी, मुझे ये भी पता नहीं थी कि मेरा कोई पॉलिटिकल रोल आगे होगा। मैं उठा, मैंने तकरीर की और कहा कि मैं वादा करता हूं कि मुगल टनल जरूर बनेगी, तब मैं वर्क्स मिनिस्टर था, अल्लाह करे मैं वो वादा पूरा करूं और मैं आप लोगों को वचन देता हूं मैं जरूर वो वादा पूरा करूंगा। हमने उस वक्त एक और सड़क का उस वक्त यहां संगे मिल रखा था, वो यहां से उड़ी को कनेक्ट कर रही थी भारत माला में, सर निर्मल सिंह जी बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और मुफ्ती साहब उस सरकार के वजीर आला थे। मुझे याद है मैं पुंछ
एयरपोर्ट पे नीचे उतरा तो उन्होंने मुझे कहा तुम अभी इधर ही बैठो। मैंने कहा क्यों? कहा तुमने मुझे कहा कि जेके पीसीसी के ठेके वर्करान में तब्दील दिए जाते हैं, वो किसी नॉर्म से नहीं दिए जाते हैं। जब तक मैं वापस आऊं एक डिसीजन निकालो कि काम टेंडर से होगा, काम टेंडर से होगा। और मुझे याद है खुद वहां गए, मैंने उतने देर में 20 मिनट में वो ऑर्डर निकाला। और जो आप फांसी का फौजा आज देख रहे हैं, काफी सारे उस वक्त के वजीरों के गले में वो उसी ऑर्डर की वजह से, क्यों उन्होंने अपने रिश्तेदारों में, अपने हवारियों में, मवारियों में ठेके बांधे थे। जब आज मैं आप लोगों से यहां खिताब कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे सामने पूंछ के सरदार भाई भी आए, मुझे ये मालूम है उनकी दिक्कतें क्या है। ये बात नहीं है कि उनकी दिक्कतें नहीं है, लेकिन हम एक हैं। आज अगर मैं अलग अलग कहूं कि मैं उनके मसले भी जानता हूं, इनके मसले भी जानता हूं, शायद वो गलत होगा कहना, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग नामुकम्मल हैं एक दूसरे के बिना। हम सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं। और हम सबको मिलके अपनी इस रियासत को भी वापस लाना है और हमें अपने जमहूरी हुकूक को भी वापस लाना। जब मैं बात करता हूं हुकूक की तो मुझे उन नौजवानों की भी याद है जो नौजवान जेलों में है, इंशाल्लाह उनको भी मौका दिया जाएगा एक बार फिर नॉर्मल जिंदगी बसर करने का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी हाथ में पत्थर उठाया तो उनको जिंदगी में अब दोबारा सोसाइटी में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक जो FIR राज है, एक जो राज यहाँ PSA का राज है, एक जो राज वेरिफिकेशन का है, आपका वोट उसको खत्म करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपके वोट से उन लोगों के तकदीर पे मोहर लग जाएगी जिन्होंने ये राज लाए हैं। ये हमारा किया हुआ राज नहीं है, ये अगर लाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ PDP ने लाए हैं। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं, एक शरीफ आदमी को उन्होंने सामने करके ये बोल दिया कि पीर साहब आगे चलो। मेरे मोहतरम पीर साहब, आपकी अपनी एक पहचान है, क्यों ये खून से रंगे हुए हाथों के साथ खेल रहे हो? इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आप तो एक मजहबी रहनुमा भी हो, आप तो सभी फिरकों के रहनुमा होने चाहिए। आपने अपने आप को एक फिरके का रहनुमा कैसे तसव्वुर कर लिया? और ये लोग अपना बदनुमा चेहरा लोगों को दिखा नहीं सकते, इसीलिए आज आपको खड़ा किया। तो उस वक्त क्यों नहीं इनको शर्म आई जब स्टेज पे उन्होंने बोला 500 रुपए में गुजर अपनी वोट को बेचता है, शराब की बोतल पे बेचता है? मैंने तो नहीं गुजर को शराब पीते हुए देखा, अगर आपने देखा है तो फिर बताइए, वरना आपको तो इस जमात से कभी लड़ना नहीं चाहिए था। आपको तो कम से कम उस गति का एहसास रखना चाहिए था जिस पे लोगों का अकीदा है। कितने अफसोस की बात है कि हम एक पूरी इलेक्शन के लिए अपनी एक पूरी कम्युनिटी को शराबी और बेईमान कहलवाते और फिर कहते हैं उनको अब हमें वोट दे दो उसी लीडर की पार्टी में जिस लीडर ने ये कहा। ये कौन सी बात हुई कि वो बुजुर्ग हो गए हैं बात करते हैं, तो फिर ऐसे बुजुर्ग को घर में बिठाओ ना, उनको बोलो खुदा खुदा करे, लोगों की पगड़ी ना उठा ले। दूसरी हमारी बहन है, उनको बेकार कहा जाता है जब उनको कुर्सी से निकालते हैं। अब हम तो दरखास्त ही कर सकते हैं साहब, इनको पट्टे पे लिख के दे दो दोनों खानदानों को कि जब तक जिंदा है ये ही लोग कुर्सी पे, इनको वो वजीफा दे दो, क्योंकि कहते हैं कि जब आदर शाह जफर को यहां हिंदुस्तान से बर्मा भेजा गया वजीफा फिर भी कुछ दिया अंग्रेजों ने। इसी तरह मैं कहता हूं अब ये इक्तदार के लायक रहे नहीं, क्यों इन्होंने लोगों का खून चूसा बहादुर साहब, इनको वजीफा कुछ दे दो वजीर आजम साहब, ये इनका वकार बहाल हो जाएगा, इनका वकार खाली उसी से बहाल हो जाएगा।
कहा कि झंडा तो ये कोई ना कोई लगाएंगे, एक तो वो तो कहती थी झंडा कोई नहीं उठाएगा, मुझे लगता है उसकी पूरी उम्र गुजर जाएगी, झंडे इतने हैं कि गिनती नहीं कर पाएगी, इतने मुल्क के झंडे हर जगह लहराए हैं और लहराएंगे, ये हमारा मुल्क है, हम इसके वफादार लोग हैं, और किसी को अगर शक है वो हमसे कुर्बानी सीखी, हम लोग सीने पे गोली लेते हैं जो पास से आती है, हमारे लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे लोग कुर्बानी देते हैं, चाहे वो पुंछ का है, राजौरी का है, उरी का है, नौशहरा का है, आरएसपोरा का है, केरन का है, गुरेज का है, हमें क्या बताएगा कोई कि कुर्बानी किसे कहते हैं, मुझे कोई बंबई में बैठ के ये नहीं कह सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि शिवसेना उनकी मदद कर रही है, शिवसेना के लीडरान से मैं कहता हूं अब आपने ठेले तो उनके बहुत भर दिए, अब क्या मदद करनी है, वो उनको तो ठेले ही भरवाने होते हैं, आपने बंबई से ठेले पकड़ लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दे दिए, मुझे लगता है वो आपके लिए चाय का इंतजाम भी कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी खसलत ऐसी है, इनको याद कोई कब तक किए, जब तक इनके हाथ में माया सौंप दिया तो आप कोई नहीं और हम कोई नहीं। जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो मुझे इस चीज का भी एहसास है कि शायद इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को दो कॉन्स्टिट्यूंसियां पार्लियामेंट की बननी चाहे, कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि पुंछ राजौरी भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बने और अनंतनाग भी बने, तवाजन भी पूरा बरकरार रहेगा, जम्मू खिते में भी 3 सीटें हो जाएंगी पार्लियामेंट की और कश्मीर में भी 3 सीटें हो जाएंगी, क्यों ना, अरे को हक है और हमें तो ज्यादा ही हक है, हमें कोई कहता पॉपुलेशन जनाब लद्दाख में तो कितनी 2.5 लाख लोगों पे आपने सीट दी है, हमें हिल काउंसिल भी दे दो ना, यहाँ पे हिल काउंसिल दे दो उसी तर्ज पे राजौरी और पुंछ को, कम से कम शिकवा तो दूर हो जाएगा कि हमारे साथ जाती हो रही है। मेरे दोस्त ने काफी कुछ टूरिज्म के बारे में लिखा है, लेकिन मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जो लोरन से गंडोला बन रहा है वो तो समाधान तक और तो समाधान से नीचे भी बन रहा है, इंशाल्लाह वो भी कनेक्ट हो जाएगा और आप सब लोगों का भी कश्मीर के साथ वास्ता 12 महीने के लिए कोई ना कोई जरूरी इंतजाम होगा। आज जब मैं यहां बात करता हूं ये एक तवारीखी मौका है, मैं आपको बताता हूं इस स्टेज पे मेरे साथी यहां आए हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत आभारी हूं, देखिए मदद करनी बहुत बड़ी बात होती है और वहां जहां पता हो कि हम ये सीट खुद निकाल सकते हैं, मैं की याद दिलाऊंगा बल्ला 8 नंबर पे है जबर इकबाल मनाज, ये बल्ला बहुत सारे काम आता है, मैं कुत्ते नजर आते हैं उनकी खैर खबर भी ले लेगा और मेरी जो बहनें हैं जो बेटियां हैं माँ हैं उनकी हिफाजत के लिए भी है और छक्के और चौके तो उन सियासतदानों के भी मारने हैं हमने जो उनमें हमारा खून चूसा है, बाकर साहब अगर हमें किसी ने आपस में लड़वाया उन लोगों ने लड़वाया, आज उनको जवाब दे देंगे इस बल्ले से, और ये वो बल्ला है जो उनको याद दिलाएगा कि भैया हमने तो इस बल्ले के लायक कुछ नहीं किया था, मैं तो उनके फिर भी रैंक कर रहा हूँ पुलिस के डंडों से बचाऊ का, बल्ले की मार बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ये बराबर जो बैलेंस पे फिट नहीं करेगा। इसी के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया।